अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पांचवें टेस्ट मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने पहुंचे यशस्वी जायसवाल और फिर रोहित शर्मा ने लगाई उनके ओवर में जमकर दहाड़, जिसे देखकर तो आपकी भी हंसी रुक नहीं पाएगी। तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल की गेंदबाजी पर रोहित शर्मा का दहाड़ा बल्ला, कैसे रोहित ने कर दी जायसवाल की जमकर कुटाई, कैसे जायसवाल को गेंदबाजी करना पड़ गया रोहित के आगे भारी, रोहित इस ओवर में कितने लगाए छक्के, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में टीम इंडिया इंग्लैंड पर पूरी तरीके से हावी है। आपको बता दें, टीम इंडिया ने 4th टेस्ट मैच जीत कर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है। 3rd टेस्ट मैच में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य रखा था, जिसको टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से अपने नाम कर 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया। आपको बता दें, कप्तान रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 55 रन बनाए थे, तो वहीं जायसवाल ने 37 रन जोड़कर अपना योगदान दिया। वहीं शुभमन गिल ने 52 रनों की पारी खेली, तो वहीं ध्रुव जुरेल ने भी 39 रन बनाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दिए। टीम इंडिया की जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम उठा, भारतीय खेमा भी खुश था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला 7 मार्च को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में खेला जाना है, जिसके लिए टीम इंडिया वहां पर पहुंच चुकी है और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दी। लेकिन आपको बता दें, प्रैक्टिस में एक बहुत ही शानदार सेशन हुआ रोहित और यशस्वी जायसवाल के बीच में। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने पहुंचे। रोहित नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन गेंदबाजों में यशस्वी जायसवाल भी अपना हाथ आजमाना चाहते थे। जायसवाल की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट पुल शॉट खेलकर एक खतरनाक छक्का जड़ दिया था, जिसे देखकर यशस्वी जायसवाल खुद हंस पड़े। जायसवाल की दूसरी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने इस अंदाज में लॉन्ग आउट की दिशा में एक और शानदार छक्का छोड़ दिया और मैदान में और खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये छक्का देखकर काफी सभी हैरान रह गए, हर कोई हंसने लगा। रोहित इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हैं और रोहित ने शानदार कवर ड्राइव जड़ दिया, यानी लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री रोहित शर्मा ने जड़ दिया था, जिसके बाद तो यशस्वी जायसवाल गेंद फेंकने को तैयार ही नहीं थे। वो रोहित के सामने से भाग गए और ये लम्हा देखकर हर कोई बीच मैदान में हंसने लगा था। रोहित शर्मा अपने अंदाज में यशस्वी जायसवाल की जमकर कुटाई कर गेंदबाजी करने के सपने को तोड़ दिए थे। आपको बता दें, जायसवाल ने 4th मैच में इंग्लैंड की पहली पारी में यशस्वी ने एक ओवर फेंका था, तो वही देखकर इनको लगा कि हम भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन रोहित ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो अगर आप भी कुलदीप यादव को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव, मुश्किल समय पर भारतीय टीम के सामान लिए हालात, कप्तान रोहित शर्मा से भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर सबसे तेज अर्धशतक रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 4th टेस्ट मैच के दूसरे दिन कुलदीप यादव का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान कुलदीप यादव ने सबसे तेज अर्धशतक जड़ते हुए 140 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिर कैसे इंग्लैंड के खिलाफ 4th टेस्ट के दूसरे दिन कुलदीप यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है। ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम रांची के मैदान पर 4th टेस्ट मैच खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करने के लिए आई, जहां भारत पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 353 रन पर ऑल आउट किया। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई, तो भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई भी बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। हालांकि कुलदीप यादव ने इस मैच के अंदर 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिलाई और सबसे तेज लगाने के साथ 140 साल पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दरअसल, इस मैच के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन के समापन तक 302 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और दूसरे दिन पहले सत्र के अंदर इंग्लैंड की टीम एक घंटे के दौरान 353 रन पर 104.5 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई थी, जहां पर रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए और आकाशदीप ने 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट प्राप्त किए और साथ ही रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जैसे ही मैदान पर आई, तो लगने लगा कि भारतीय टीम आज इस मैच के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम को परेशान करने के इरादे से मैदान पर आएगी, क्योंकि यहां पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा आसान काम होता है। लेकिन आज भारतीय समर्थकों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा मात्र 2 रन के स्कोर पर आउट होकर सभी को निराश कर बैठे। लेकिन इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि काफी बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन करेंगे और ऐसा हो नहीं पाया।
हालांकि दूसरे विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल के 82 रन की साझेदारी देखने को मिली, परंतु इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला था। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल 38 रन बनाकर आउट हुए और रजत पाटीदार 17 और सरफराज खान 14 रन बनाकर आउट हुए। इतना ही नहीं, रवि जडेजा ने भी मात्र 12 रन का योगदान दिया। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी 1 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। हालांकि एक तरफ से टीम को आगे ले जाने का काम कर रहे यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर 73 रन के स्कोर पर अपना विकेट दे दिया और ऐसे में अब ध्रुव और कुलदीप यादव ने मिलकर टीम को संभालते हुए आगे ले जाने का काम किया। हालांकि 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कुलदीप यादव ने सभी को प्रभावित कर दिया और सभी को अपना दीवाना बनाते हुए भारत के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि कुलदीप यादव ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिलाई, साथ में तूफानी अर्धशतक लगाते 140 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इस दौरान कुलदीप यादव ने 9 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण पारी खेली और अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर लगा दिया। हालांकि अभी तक इतिहास में कुलदीप यादव ने मात्र 11 मैच के अंदर 14 पारी 100 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन आज इन्होंने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर लिया। इस दौरान कुलदीप यादव ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 140 साल पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारतीय टीम की तरफ से 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा किया और 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। इस दौरान कुलदीप यादव ने मात्र 45 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे तेज अर्धशतक साबित हुआ है। ऐसे में इस रिकॉर्ड को देखकर चारों तरफ कुलदीप यादव की तारीफ इस समय हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच में जीत हासिल करते हुए इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम करती हुई दिखाई देने वाली है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप भी MS धोनी, रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डेब्यू मैच में ही इंग्लैंड की टीम के 3 गेंदों में 3 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज आकाशदीप ने पहले दिन के खेल के बाद अपनी इस सफलता का सारा श्रेय रोहित धोनी, इनफैक्ट विराट कोहली तक जैसे खिलाड़ियों को दे डाला है। आखिरकार इतने सक्सेसफुल डेब्यू के बाद इस शानदार खिलाड़ी ने अपने बयान में क्या कहा भावुक होकर, उनके बयान का पूरा वीडियो दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, धोनी और रोहित में सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान कौन है आपकी नजरों में? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का जो ये चौथा टेस्ट मैच चल रहा है ना, इसके पहले दिन के खेल की शुरुआत इतनी जानदार, इतनी ज्यादा शानदार थी कि इंग्लैंड की टीम भी सपने में सोच कर नहीं आई थी कि इतना तहलका भारतीय युवा तेज गेंदबाज मचा देंगे जो केवल डेब्यू ही कर रहे हैं इस मुकाबले में। आपको जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि रांची के मैदान में सीरीज का ये चौथा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और इसी चौथे टेस्ट मैच में दोस्तों रोहित शर्मा ने एक और नए चेहरे को भारत देश के सामने उतारा। आकाशदीप वो खिलाड़ी हैं जो RCB की टीम की तरफ से खेलते हैं और अब यही खिलाड़ी भारत देश के लिए आज खेले और कहना पड़ेगा क्या खूब खेले, और बल्कि अकेले तो इन्होंने इंग्लैंड की टीम की खाट खड़ी करके रख दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस युवा गेंदबाज पर रोहित ने इतना भरोसा किया ना कि नई गेंद ही इनके हाथ में थमा डाली थी। और दोस्तों कहना पड़ेगा कि इस युवा गेंदबाज ने भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को निराश नहीं किया बिल्कुल भी। रात ही दोस्तों आकाशदीप ने अपनी जबरदस्त रफ्तार से ऐसी गेंदबाजी करी कि इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी मानो उन्हें देखकर ही डर रहे थे। दोस्तों आकाशदीप ने पारी के 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट को पहले 11 रन पर आउट किया। उसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो ऑली पॉप जैसे धाकड़ खिलाड़ी को शून्य पर LBW करते हैं, जिसमें रोहित के DRS का भी साथ रहता है। और फिर दोस्तों इतना ही नहीं, जैक क्रॉली जैसे सेट बैट्समैन को भी ये खिलाड़ी 42 पर बोल्ड मारता है। यानी कि दोस्तों 3 गेंदों में 3 जबरदस्त विकेट लिए थे आकाशदीप ने और इतनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी के बाद पब्लिसिटी तो मिलनी ही थी। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी ने अपने बयान में रोहित धोनी और इनफैक्ट कोहली पर भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर ना आपके दिल में इनके लिए इज्जत 100 गुना बढ़ने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि भावुक आकाशदीप ने अपने बयान में मैच के बाद कहा, इंडियन टीम के लिए डेब्यू करना, अपने देश के लिए खेलना एक ऐसा सपना होता है जो हर एक खिलाड़ी मैदान में आते ही देखता है। आज वाकई में रोहित भाई ने मेरा वो सपना तो पूरा किया ही, साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि अपने सपने को रियल लाइफ में जी रहा हूँ। लेकिन जब मैदान में गेंद थामी ना और कप्तान ने मुझ पर इस कदर भरोसा दिखाया तो वो खुद को रोक ना सका और अपनी वही प्रदर्शन देने की कोशिश करी जो मैं कभी RCB के कैंप में कोहली भाई के साथ दिया करता था या जो मैंने पहले कभी रणजी में सीखा था। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि रोहित भाई जैसे कप्तान की कप्तानी में खेलने का, डेब्यू करने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि ये कप्तान केवल कप्तान नहीं बल्कि बड़े भाई की तरह एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाले खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ मैं महेंद्र सिंह धोनी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरी क्रिकेट की वो ऑल टाइम सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है और उन्हें देखकर ही मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है।
आज ये 3 विकेट मैं अपने सभी देशवासियों को समर्पित करना चाहता हूँ जो हमारा समर्थन करने इस मैदान में आए। उम्मीद है धोनी भाई भी जल्द आएंगे। दोस्तों, आकाशदीप ने पहले गेंदबाजी और फिर शब्दों से दिल जीता, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को रांची के मैदान में आना चाहिए मैच देखने या नहीं? नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।